किसान बिल पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, किसान बिल को लेकर के पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान पिछले 2 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। जब उनकी बात सरकार के द्वारा नहीं सुनी गई, अंततः मजबूर होकर के लगभग 500 किसान संगठनों ने मिलकर के इस संघर्ष को आगे बढ़ाया है। और वो जब दिल्ली की तरफ आ रहे थे तो उनके साथ भयानक दमनात्मक कार्रवाई की गई है। हम लोग इस कार्रवाई के विरोध में हैं और उस आंदोलन को लगातार देश के विभिन्न तबकों का, सिर्फ किसान का ही नहीं, मजदूर का भी, मिडिल क्लास का भी, गरीब तबके के लोग भी, नौकरी पेशा लोग भी उनका समर्थन कर रहे हैं। क्योंकि धीरे धीरे किसान की जो बात है वो आम लोगों की समझ में आ रही है कि किसान की लड़ाई सिर्फ किसान की लड़ाई नहीं है, ये किसानों को उनके अपने ही खेत पर जो मजबूरी में वो आज खेती किसानी कर रहे हैं उनको मजदूर बना देने की साजिश है। और यह जो किसान बिल है उसको लेकर के सरकार का जो दावा है कि MSP नहीं ख़त्म किया जाएगा और मंडियों को समाप्त करने से किसानों की आय बढ़ जाएगी, इस संबंध में हम लोगों को एक बात समझनी चाहिए कि किसी भी उत्पाद का मूल्य उस उत्पाद को पैदा करने वाली फैक्ट्री, कंपनी या दुकानदार तय करते हैं, लेकिन किसान एक ऐसा तबका है कि उसको अपने उत्पाद का मूल्य तय करने का कोई अधिकार नहीं है। उल्टे सरकार जो मूल्य तय करता है समर्थन में वो भी उनको नहीं मिलता है। अभी तो मात्र जो है कुछ जरूरी जो अनाज हैं उनको इसके अंतर्गत शामिल किया गया है MSP के अंतर्गत। अभी तो लड़ाई ये जरूरी थी कि और वस्तुओं को इसके अंतर्गत लाया जाए, लेकिन जो वस्तु MSP के अंदर हैं आज उनको भी MSP की गारंटी नहीं है, MSP मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और यह जो सरकार दावा कर रही है कि MSP समाप्त नहीं हुआ है, यह झूठ बोला जा रहा है। तो किसान बार बार यही कह रहे हैं कि अगर MSP समाप्त नहीं हुआ है तो आप यह बात क्यों नहीं कहते हैं कि MSP से कम पे अगर खरीद की जाएगी तो यह गैरकानूनी होगा, आपराधिक होगा और MSP से कम पे खरीद करने वाले लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप देखिए, आप किसी भी राज्य का उदाहरण उठा लीजिए, कहीं भी MSP पे किसी भी फसल की खरीद नहीं होती है। और यह जो दावा किया जा रहा है कि मंडियां समाप्त हो जाने के बाद किसानों को फ़ायदा पहुंचेगा, तो 2006 में ही बिहार में मंडियां समाप्त कर दी गई, लेकिन अभी तक किसानों को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा है। और आप किसी भी इलाके में घूम लीजिए, जहाँ धान होता है उस इलाके में जाइए, जहाँ मक्का होता है उस इलाके में जाइए, जहाँ गेहूँ होता है उस इलाके में जाइए, किसी भी इलाके में MSP पर फसलों की खरीद नहीं हो रही है, आप रिपोर्ट उठा करके देख लीजिए। और यह जो दावा किया जा रहा है कि ये बिल लाया गया है किसानों की भलाई के लिए, मंडियां समाप्त की जा रही है किसानों की भलाई के लिए, इससे प्रोसेसिंग यूनिट बढ़ेगा, कोल्ड स्टोरेज की संख्या बढ़ेगी, तो आप बिहार का ही एग्जांपल उठा करके देख लीजिए। बिहार में 1.5 करोड़ ऐसे किसान हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम की ज़मीन है और उनके जो उत्पाद है उसको कैसे सुरक्षित किया जाएगा, कैसे उनको जो है ज़्यादा आमदनी मिलेगी, इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई। उल्टे अगर आप कोल्ड स्टोरेज की संख्या देखेंगे तो 2006 में यह समाप्त करने के बाद, जो मंडियां हैं उसको समाप्त करने के बाद कोल्ड स्टोरेज की संख्या बढ़ी नहीं है, उल्टे घटी है। तो हमारी यह समझ है और किसान बार बार यह बात कह रहे हैं कि यह किसानों की ज़मीन हड़पने का और किसान को उनकी अपनी ही ज़मीन के ऊपर मजदूर बनाने का, गुलाम बनाने का एक साजिश सरकार रच रही है, उसके खिलाफ किसान आंदोलनरत हैं। इस देश का आम नागरिक होने के चलते, किसान का बच्चा होने के चलते, और हम किसी भी तबके के हों, क्योंकि अंततः हमारा पेट किसान के द्वारा उपजाए अनाज से, उनके द्वारा उपजाई सब्जियों से भरता है, इसीलिए हमको किसानों के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। ये पूरा आंदोलन किसानों का आंदोलन है, किसान इसका नेतृत्व कर रहे हैं, हम लोग इस देश का नागरिक होने के चलते इसके समर्थन में हैं और हम चाहते हैं कि किसान की अगुवाई में, किसानों के विरोध में जो बिल लाया गया है उसको समाप्त किया जाए, सरकार गतिरोध को ख़त्म करे और जो उनके ऊपर दमनात्मक कार्रवाई की गई है उनके ऊपर कार्रवाई करे और किसानों को इस बात का भरोसा दिलाए कि उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा और जो किसान की मांग है उनको वो माने। अगर यह नहीं करते हैं तो मैं इस संबंध में आपको बता दूं कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के दिन हम लोग जय जवान जय किसान जय संविधान के नारे के साथ सड़क पे उतरे थे। अभी कल 2 तारीख को पूरा राज्यव्यापी प्रदर्शन बिहार के अंदर हुआ, सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन किया गया। किसान संगठनों की मांग को देखते हुए आने वाली 5 तारीख को भी अगर वार्ता विफल होती है, सरकार अगर किसानों की मांग को नहीं मानती है, तो 5 तारीख को भी आंदोलन होगा। हम तमाम किसान संगठनों से जो हमारी बातचीत है, जो उनका मांग है, जो उनकी लड़ाई है, उस संबंध में यह पता चलता है कि बिहार के किसान भी इस लड़ाई में जो दिल्ली के
सीमा पे चल रहा है जो वो आंदोलन है, उसमें बिहार के किसान भी शामिल होंगे। अगर सरकार जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई नहीं करती है तो बिहार के किसान भी दिल्ली कूच कर सकते हैं। कई सम्मानित लोग पद्मश्री लौटाने की आज बात की है, उस पर क्या कहना है? देखिए, इस देश से प्यार करने वाला कोई भी इंसान अगर वो इस धरती से प्यार करता है, यहाँ के लोगों से प्यार करता है, तो ये उसकी प्राथमिक जिम्मेवारी है कि अन्नदाता धरती पर भगवान की तरह होते हैं, उनके मांग के समर्थन में आज वो अपने खेतों को छोड़ करके सड़कों पे बैठे हुए हैं। उस जो तबका है, उसकी जो लड़ाई है, वो पूरे देश और पूरे समाज की लड़ाई है। हर तबके को इसमें शरीक होना चाहिए, और जो लोगों ने पुरस्कार लौटाया है किसानों के सम्मान में, मैं समझता हूँ यह स्वागत योग्य कदम है। सरकार को इसका दबाव समझना चाहिए और यह पुरस्कार लौटाने की नौबत ना पड़े। समाज के जो दूसरे तबके के लोग हैं, उनको भी सड़क पर उतरने की जरूरत ना पड़े। इसको देखते हुए सरकार अविलंब जो है किसानों की मांग को सुननी चाहिए, और जो लोग भी किसान को अपना समर्थन दे रहे हैं, दरअसल वो सिर्फ किसान के साथ ही नहीं खड़े हैं, बल्कि वो इस देश के भविष्य के साथ खड़े हैं। देश से प्यार करने वाले हर इंसान को किसानों के मांग के साथ खड़ा होना चाहिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।